app.js पे राउट app.js। बात समझ आ रही सबको? ये एक माइंड में फिट कर लो, जब भी आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो है ना, क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होता है, सबसे पहले आप कहाँ आओगे? app.js पे राउटिंग पे आओगे। ठीक है, ये बात अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लें कि जब भी मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, किसी पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी फॉर्म सबमिट करोगे तब भी आप राउट पे आओगे। ये आप फिक्स कर लो अपने बिल्कुल माइंड के अंदर। रेस्टोरेंट में जाओगे तो वेटर को बुलाओगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। जब आप राउट पे आओगे, राउट के बाद ही आप कहीं जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, जो राउटिंग हमने यहाँ कर रखी है ना, इसको हम अलग कर देते हैं, राउटिंग वाले फोल्डर में कर लेते हैं तो सही रहेगा। क्यों app.js में क्यों खिचड़ी पकाएं? मगर आएगा तब भी सबसे पहले वो app.js पे। app.js आपका एंट्री पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी आप किसी वेबसाइट पे हिट करोगे, कोई वेबसाइट खुलेगी सारे पेजेस, तो सबसे पहले वो आएगा app.js पे, क्योंकि सर्वर तो वहीं है, सब कुछ वहीं है, आएगा वहीं पे सबसे पहले वो। ठीक है, वहां के बाद वो राउटिंग वाले फोल्डर में चला जाएगा वो। ठीक है, तो वैसे तो राउटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे करेंगे तो बड़ा हॉचपॉच हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग MVC पैटर्न सीख रहे हैं, तो राउटिंग वाला काम हम राउटिंग के फोल्डर में करेंगे। तो अभी देखो, आप यहाँ लिखते हो app.get, तो अभी राउटिंग आपकी किससे चल रही है? ऐप से चल रही है ना, मतलब ऐप किससे कनेक्ट है हमारा? एक्सप्रेस से कनेक्ट है, एक्सप्रेस के मेथड से। तो जो एक्सप्रेस का मेथड है, उसके अंदर राउटिंग वाला भी काम हो रहा होगा, तो इससे आपकी राउटिंग चल रही है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग वाला फोल्डर अलग कर लेते हैं, और जो राउटिंग हमने यहाँ की है वो वहाँ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा अलग सही लगेगा। MVC में फायदा क्या रहता है कि कोई भी किसी, जैसे मान लो चलो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में गए, वो बंदा छोड़ के चला गया और कंपनी ने कहा कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आप आसानी से कर पाओगे, तो ऐसा लगेगा कुछ नया आपके हाथ में, क्योंकि आपको पता होगा कि राउटिंग उसने कहाँ कर रखी होंगी, है ना, सब कुछ पहले डिसाइड होगा आपका। चलो तो चलते हैं हम, अब हम बनाते हैं राउटर के, राउटर्स के अंदर एक फाइल web.js नाम से, एक सब लोग बना लो फाइल राउटर के अंदर web.js। हम क्या कर रहे हैं, हम राउटिंग को अलग कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे हम लोग, राउटिंग बस अलग कर रहे हैं कि हॉचपॉच ना हो एक ही पेज पे, इसलिए। ठीक है सब लोग, आपको काम से वही करना है जो मैं बैच में कराऊंगा, वही काम आपको घर पे प्रैक्टिस करना है बस। उसके लिए आपके पास 2 दिन होंगे पर्याप्त, कोई नया काम नहीं करना है। जब तक मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा देता, तब तक आपको सेम काम मेरा वाला ही करना है, उससे आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। आप मेरा और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से, जब कोई डाउट आए तो आप मुझसे बैच में पूछ लेना। हाँ जी बोलो, बोलो। रिकॉर्डिंग चालू कर ली सर? सर रिकॉर्डिंग चल रही सर? चल रही सब चल रही। थैंक यू सर। चलो तो सब लोग राउटर्स के अंदर एक web.js नाम की फाइल बना लो, और यहाँ पे लिख दो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर। रिक्वायर किसको करना है? एक्सप्रेस को। अभी तो आप ये समझो कि हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो मतलब ये समझो कि हम अभी क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर सेटअप कर रहे हैं बस। ठीक है, और अब कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। बन गई सबकी फाइल इतनी, राउटर्स के अंदर web.js नाम की एक फाइल बना लें, उसके अंदर इतना काम कर लो जल्दी से। चलो अब लोग constant router express.router का r कैपिटल होगा, डॉट r कैपिटल, राउटर फंक्शन का साइन लगा देना, फंक्शन का साइन। ठीक है सब लोग, हमने क्या किया, एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर था उसको निकाल लिया। ठीक है, अब जो राउटिंग का जो भी प्रोसेस होगी वो वहां किस में जाके स्टोर हो जाएगी, इस राउटर के अंदर। ठीक है,
तो अब वहां पे जो फाइलें पड़ी हैं उनको उठाओ, app.js पे आओ, जो राउटिंग आपने वहां कर रखी थी, यहां से कॉपी कर लो सारी और कट कर दो, यहां से सारी कॉपी करके कट कर दो, ठीक है। और यहां पे आ जाओ नीचे, और नीचे थोड़ा और नीचे ले लो, और थोड़ा नीचे पेस्ट कर लो। हाँ, अब सबको दिख रहा है, फॉर्मेट सी कर लेना, ऊपर वाला दिखा दो, ऊपर वाला, ठीक है। हमने क्या किया, एक्सपेस को रिक्वायर किया, और एक्सपेस के अंदर जो राउटर था वो ले लिया मैंने, लिखा ना एक्सपेस और राउटर, राउटर नाम का जो फंक्शन है उसको मैं ले लिया, फंक्शन साइन लगा हुआ ना वो ले लिया, और जो भी उसके अंदर होगा वो हमने राउटर के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब आपने जहां पे लिखा है ऐप, वहां पे क्या लिख दोगे, राउटर, वो कुछ भी लिख सकते हो, जो वहां पर राउटर लिखा है वहां पर ऐप भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, राउटर थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, लिख लें आप लोग इस तरीके से, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने उसको सिर्फ अलग कर दिया app.js से, ठीक है। पहले क्या था, एक्सपेस एक मेथड था, उस मेथड के अंदर पहले से ही क्या था, सब कुछ था, एक्सपेस को हमने मेथड ना लिया था, उस मेथड के अंदर राउटर ही, राउटर भी चल रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेस डॉट राउटर कर दिया, जो एक्सपेस के अंदर था राउटर नाम का जो फंक्शन, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जिससे हमारी राउटिंग की प्रोसेस चल सके पूरी, ठीक है। यही किया बस, और कुछ नहीं किया। अब ये चलेगा कैसे, हमें सबको पता है कि सबसे पहले जब हम लिखेंगे वेबसाइट जाके लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले वो app.js पे जाएगा। अब app.js से web.js पे कैसे आएगा, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटिंग को, जो web.js वाली फाइल है ना उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा, जिससे वो वहां पर चला जाए। बात समझ आ रही है सबको, रिक्वायर करना पड़ेगा ना। चलो लिखो कॉन्स्टेंट, लाइन नंबर 4 के नीचे लिखो, लाइन नंबर 4 के नीचे कमेंट कर लिखो, राउटिंग लिंक, राउटर लिंक, कमेंट लिख दिया करो, राउटिंग वेब राउटिंग लिंक्स कुछ भी लिख दो जो तुम्हें अच्छा लगे अपनी भाषा में। लो कॉन्स्टेंट वेब, कॉन्स्टेंट वेब इक्वल रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में डॉट स्लैश रिक्वायर्स डॉट स्लैश रिक्वायर राउटर्स राउटर्स स्लैश web.js। अब आपने जगह कर लिया, रिक्वायर कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, इसको यूज भी तो कराना होगा। अब उसी के नीचे लिखो app.use, हमें क्या कराना होगा, यूज भी कराना होगा, हमें एक पास सेट करना होगा, ठीक है। हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे app.use, यहाँ पे लिखो राउटर लोड, मतलब कमेंट पे लिखो उसके ऊपर राउटर लोड, कमेंट में लिखो, कमेंट में लाइन नंबर 5 के नीचे आपने ऊपर लिंक किया। अब राउटर लोड कैसे होगा, तो हम कैसे लोड करेंगे, देखो app.use, अब देखो अब सुनो, वो वहां तो चला गया, मान के चलो आपने लिंक दे दिया, तो लिंक पे जाके क्या ढूंढेगा वो, राउटर लोड तो करो, वहां पर क्या ढूंढेगा जाके वो, समझा रहा। आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्लैश है ना, जो जो मेन हमारा राउट है वो कौन सा है, बाय डिफॉल्ट स्लैश वाला। फिर सारे राउट कैसे चलते हैं, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट चलते हैं ना, तो हम यहाँ पे लोड करते हैं किसको, app.use ब्रैकेट का साइन सिंगल कोट में स्लैश, सिंगल कोट में स्लैश और कॉमा लगा के वेब, आगे बगल में कॉमा लगा के वेब, इस तरीके से करते हैं app.use, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, सबसे पहले वो कहाँ पे आया, app.js पे आया, आ गया। फिर उसने यहाँ पे क्या देखा कि app.use, उसको स्लैश यहाँ मिल गया स्लैश उसको यहाँ पे। अब मैंने कहा क्या इसको यूज करना है, तो फिर कहाँ जाएगा वो, वेब पे जाएगा, वेब पे देखेगा, फिर वेब इसको वेब से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला गया, यहाँ उसको मिल गया स्लैश, और स्लैश से क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड को लोड कर देगा, ठीक है। फिर समझो app.js पे आओ, app.js पे आओ, जब भी आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले वो app.js पे आएगा, आ गया, यहाँ पे उसको मिल गया स्लैश,
अब हमने क्या क्या इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वेब पे जाके, कहा ना वेब पे जाके भाई इसको आप यूज करो। अब वेब पे जाएगा कैसे, वो मैंने रिक्वायर कर रखा है। अब वेब पे आया, वहां पे क्या देखेगा, वो बाय डिफॉल्ट पहले स्लैश देखेगा, स्लैश मिल गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब आपने लिखा हमारा बाय डिफॉल्ट यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट कोलन 3000 मतलब स्लैश। फिर आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश होम, फिर भी सबसे पहले कहाँ पे आएगा, वो एप डॉट जे एस पे आएगा। आओ एप डॉट जे एस पे आओ। और आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश होम स्लैश अबाउट, फिर भी सबसे पहले एप डॉट जे एस पे आएगा। पहले तो स्लैश देखेगा, मेन राउट तुम्हारा चाहिए ना, राउटर लोड मेन तुम्हारा यही है, स्लैश मिल गया, फिर कहाँ चला जाएगा, वेब डॉट जे एस पे जाएगा यहाँ से, और फिर जाके क्या देखेगा, स्लैश होम देखेगा जाके, स्लैश होम कहाँ पे है, स्लैश होम मिल गया, अबाउट मिल गया। ठीक है, सबसे पहले मेन जो हमारा पाथ है वो कौन सा है, स्लैश है। ठीक है, अब चला के देखो, अभी और समझाता हूँ, अभी आप नोट मत करो, पहले देखो कैसे चल रहा है, चलेगा सब कुछ वैसे ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, चला के देखना वेबसाइट पर, चलेगा वैसे ही चल रहा था वो, देखो चल रहा है, स्लैश लिखो स्लैश लॉगिन, सर्वर चालू कर लो, सर्वर चालू नहीं सर, तो सर्वर चालू कर लो, एरर दे रहा देखो कुछ, दोबारा चालू कर लो, नहीं 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 सिंपल नोट वन लिखा करो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती ऐप की, बाय डिफॉल्ट ऐप ही लेगा वो, तो कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी अपने, राउट यूज डॉट, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, रुको राउटिंग में सेव करो फाइल, फेल सेव सॉरी, रुको रुको, अरे अरे एरर है ना, वो एरर दिखा रहा है जी, एरर दिखाता है वो, ऊपर देखो एरर दिखाता है ना, वो कह रहा है कि राउटर डॉट यूज रिक्वायर्ड मिडलवेयर फंक्शन, राउटिंग का ना, राउटिंग सही तरीके से कॉल नहीं हुई है, फाइल सेव करो, ऊपर आओ, तुमने सबसे पहले क्या लिखा था, इसको सेव करो, एक्सपेस एक्सपेस राउटर और राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट, ठीक है वहाँ पे आओ, एप डॉट जे एस पे आओ, सेव करके एप डॉट जे एस तुमने से लिखा है यहाँ पे, ऐप डॉट यूज और उसके अंदर सिंगल कोट में स्लैश और वेब, वेब तुमने सही कॉल कर रखा है, इसको सेव करो, सेमीकोलन लगा देना, वैसे सेमीकोलन जरूरत तो है नहीं लगाने की, टर्मिनल थ्रू पर था टर्मिनल, एरर देखना एरर क्या दे रहा है, वो राउटर डॉट यूज रिक्वायर मिडलवेयर फंक्शन बट व्हाट ऑब्जेक्ट, उस पर आना, क्या नाम है, वेब डॉट जेएस पे आना, वेब डॉट जेएस पे कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, फिर तुमने क्या किया होगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर, आर कैपिटल ऐसे लिखा है राउटर यहाँ से, ठीक है राउटर डॉट गेट आर ई क्यू आर ई एस लिखा तो सही पूरा, हाँ सॉरी सॉरी एक चीज़ तो रह गई, हाँ अपन ने वो तो किया ही नहीं, नीचे इस राउटर को वो तो करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, नहीं चाहो मॉड्यूल एक्सपोर्ट तो अपन ने किया ही नहीं है ना, तभी तो वहाँ पर यूज हो पाएगा। राउटर जो वेब डॉट जे एस नाम की हमने फाइल बनाई थी, हमने वहाँ रिक्वायर कर लिया, मगर हमने उसको यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं, पता है ना मॉड्यूल एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगाओ, module.export सिखाया था आप लोगों को इक्वल राउटर, तब तो यहाँ पे आ पाएगा ना राउटर, यही सेव कर दो, अब हट जाएगी एरर, अब जाके चल जाएगा देखो वेबसाइट पे, देखो चल गया लॉगिन चल गया, बाय डिफॉल्ट होम चल गया। आओ हमने क्या किया सर, सुने हमने वेब डॉट जेएस नाम की फाइल तो बनाई, इस पर आओ, अरे वेब सब चलेंगे, हमने वेब डॉट जेएस नाम की फाइल तो बनाई और हमने उसको एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं, और जब तक हम उसको एक्सपोर्ट सबको पता है ना मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट नोट जेएस में पढ़ के आए हो, यस सर, है ना,
तो हमने यहाँ से उसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया था, है ना। और जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे एप डॉट जेस पे आओ, वो यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा था एप डॉट जेस पे आओ, इसलिए वो ये पहुँच नहीं पा रहा था, ये लाइन चल रही थी लाइन फाइव वाली, तभी तो रिक्वायर होगा। वो पढ़ाया था ना रिक्वायर मॉड्यूल एक्सपोर्ट, जब हमें बहुत सारी फाइलों को यूज़ करना होगा ऑब्जेक्ट की, तो हम किसके अंदर रखेंगे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट लाएंगे तो उसको क्या करेंगे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट करेंगे और रिक्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो वही राउटिंग चलने लगी, सेम सब कुछ सेम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो स्लैश है, स्लैश लिखा है ना, इसको आप लिख देना पी एन, पी एन लिख दो, पी एन स्लैश पी एन लिख दो, स्लैश पी एन, पी एन बस। अब तुम्हारा बाय डिफॉल्ट राउट क्या बना, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट यू एल पता क्या बना, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश पी एन। अब जाके देखना लोकल होस्ट चल रहा है क्या, जाके देखो, नहीं चलेगा, वो जाके चेक करो वो हटा के देखो, एरर देने लगा, सबको दिख रहा है एरर, एरर क्यों दे रहा, उसको स्लैश मिला ही नहीं, एप डॉट जेस पे गया होगा ना, वहां स्लैश था ही नहीं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट यूआरएल क्या सेट कर दिया, जब वो लिखेगा साथ में स्लैश पी एन तब चलेगा, देखो स्लैश पी एन, स्लैश पी एन एंटर दो, अब चलेगा हेलो वर्ड्स। अब जितने भी आपके राउट चलेंगे ना वो सब पी एन के बाद ही चलेंगे, देखो स्लैश अबाउट स्लैश लॉग इन लिख के देखो, स्लैश लॉग इन, स्लैश लॉग इन अबाउट बनाया था, देखो चल रहे हैं, अगर हटा देना पी एन, पी एन हटा देना और लिखो स्लैश अबाउट, पी एन हटा के देख लो चल रहे हैं क्या, एंटर दे दो, देखो कोई चला नहीं, चला ना, क्यों नहीं चला, क्योंकि वो गया होगा एप डॉट जेएस पे, हमने बाय डिफॉल्ट पहली राउट यूआरएल क्या सेट कर दिया, स्लैश पी एन तो होनी चाहिए, स्लैश का मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है, और स्लैश का पी एन तो होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट यूआरएल होना ही चाहिए, तब इसके बाद वो वेब पे पहुंचाएगा वो। बात समझ में आ गई सबको, लिख देना उसमें आ जाओ फाइल पे, स्लैश लगा दो उसको, अब क्लियर हो गया। सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, एप डॉट जेएस पे आएगा, स्लैश देखेगा, फिर यहाँ से वेब पे जाएगा, वेब पे जाके जो राउट चेक होते हैं वो चेक करेगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, वेब डॉट जेएस पे आ जाओ, वेब डॉट जेएस पे आके नोट कर लें सब लोग, अब बाकी सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं, एक रहने दो, बाकी हटा दो, कोई जरूरत नहीं, हाँ एक छोड़ दो, किलोस हटा दो, कोई नीड नहीं इनकी, नेट स्लो चल रहा है तुम्हारा लग रहा है मुझे, तुम्हारा वाईफाई लगा है फिर भी तुम्हारा नेट फिर स्लो चलता है, सब नोट कर लें, अरे को नोट करा दो, नोट कर लें सब लोग, समझ में आ गया ना सबको, क्या समझाना चाह रहा था मैं, यस सर, सर एप डॉट जेएस वाला ओपन करवा दो, एप डॉट जेएस ओपन कर देना,
सर कर लिया हूँ। हो गया सबका? सर चल गई सबकी राउटिंग? यस सर। चलो तो राउटिंग समझ आ गई, कुछ नहीं किया हमने, अलग कर दिया बस, करने का तो वहीं पीएचपी भी कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा देखो कोड कम हो गया ना, थोड़ा अच्छे से लग रहा। तो चलो अब बात करते हैं हम कंट्रोलर की। ठीक है, राउटिंग समझ में आ गई, कंट्रोलर की बात करते हैं, कंट्रोलर और व्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोलर कहाँ बनाएंगे? कंट्रोल वाले फोल्डर के अंदर। सबको पता है ना कि जब भी हम ब्राउजर पे कुछ हिट करेंगे सबसे पहले राउट पे आएगा, राउट के बाद कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोल के बाद अगर आपने डेटाबेस से कुछ मांगा होगा तो डेटाबेस के पास जाएगा, और डेटाबेस से फिर कंट्रोलर के पास आएगा, फिर वो आपको व्यू दिखाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलती पूरी। ठीक है, जब भी आप कुछ भी हिट करोगे तो सबसे पहले राउट पे आएगा, राउट के बाद कंट्रोलर पे जाएगा, फिर कंट्रोलर देखेगा इस बंदे ने हमसे डेटाबेस से कुछ मांगा है, अगर नहीं मांगा है तो डायरेक्ट व्यू वाला पेज ओपन करवा देगा ये। ठीक है, ये होती पूरी प्रोसेस चलने, मतलब डायरेक्ट व्यू वाले पेज नहीं चलेंगे इसके अंदर। आप सोचो कि डायरेक्ट व्यू वाला पेज ओपन हो जाए तो नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोसेस पूरी यही होगी। क्लियर? तो चलो हम थोड़ा इसमें कंट्रोल पे काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम एक कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर का नाम रखते हैं हम स्टूडेंट कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर एक बना लो फाइल, और सुनो सब लोग कंट्रोलर का, हाँ सुनो मैं क्या कहना था, जो हम एक कंट्रोलर बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर का एस कैपिटल होना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट का एस कैपिटल और कंट्रोलर का सी कैपिटल। ठीक है, क्लास कंट्रोलर मतलब एक क्लास है, जो कंट्रोलर है वो एक क्लास बन रही है। ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बना लो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जे एस नाम से। सब लोग स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जे एस किसके अंदर? कंट्रोलर्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, कंट्रोलर्स वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लो स्टूडेंट कंट्रोलर्स डॉट जे एस, स्टूडेंट का एस कैपिटल, कंट्रोलर का सी कैपिटल। बना लिए सबने? यस सर। कंट्रोलर मतलब क्लास, पढ़ाई थी ना आपको क्लास। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टैटिक मेथड बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पढ़ाया था ना पूरा मैंने, तो वही क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंट्रोल मतलब क्लास होती है, जो भी काम होगा ना यहाँ पे क्लास वाइज ही होगा पूरा। तो लिखो क्लास, देखो क्लास, क्लास ना स्टूडेंट कंट्रोलर की, क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर मतलब कंट्रोल एक क्लास ही है, सी एस कैपिटल। देखो क्या कर रहे हो, जो कंट्रोलर का नाम दिया है वो एक क्लास ही तो है। स्टूडेंट कंट्रोल लिखो पूरा, स्टूडेंट कंट्रोलर। सब लोग एक क्लास बना लो स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से, सारे लोग एक क्लास बना लें स्टूडेंट कंट्रोलर। इसका नेट बड़ा स्लो चल रहा है, और भी कोई बंदा स्क्रीन शेयर करने वाला बैच में कर दो फॉन्ट साइज बस। ठीक है, कंट्रोल मतलब एक क्लास, और जब क्लास बनाते हैं तो क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है ना। ठीक है सब लोग, तो अब ये बनी क्लास। अब क्लास के अंदर हम बनाने वाले हैं क्या? स्टैटिक मेथड। पढ़ाए थे ना क्या बनेंगे क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड, कौन से वाले? असिंक अवेट के साथ यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड बनाता हूं मैं डिस्प्ले नाम का। देखो स्टैटिक, देखो स्टैटिक, थोड़ा जूम कम कर लो, ज्यादा हो गया ये। स्टैटिक डिस्प्ले, हाँ इतना ठीक है, थोड़ा बढ़ाओ बस, ठीक है ठीक है। डिस्प्ले इक्वल असिंक, ए एस वाई एन असिंक, फंक्शन का साइन, वही एरो फंक्शन यूज होंगे, फंक्शन का साइन
req, res, अरे एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही req, res, कॉमा और इक्वल करली वैकेस लगा दो बाहर, इक्वल एरो फंक्शन एक बाहर लगता है, इक्वल करली वैकेस, करली वैकेस एंटर दे दो, एंटर दे दो। ये तो याद है सबको? यस सर। अजी मत कहना कि सर ये क्या होता है, बस ये क्या दिया तो जमाना चलना कि अटैक अटैक आ जाएगा मैं तुरंत। पूरी कहानी ऐसी चलाई मैंने इतने दिन से। अब देखो इसके अंदर ट्राई कैच एरो फंक्शन लगेगा क्या? और जी क्या दिख रहा है? एरो एरो लगाओ, एरो एरो उसको एरो तो बना दो, इक्वल लिखा तुमने उसको एरो बनाओ एरो। अब देखो इसके अंदर ट्राई कैच ये कहाँ चलेगा? ट्राई कैच, ट्राई लिखो, ट्राई करली वैकेस, अब कैच लगाओ जहाँ करली वैकेस एंड हो रहा है कैच, अरे वहीं जहाँ एंड हो रहा है वहीं बगल बगल में उसके बगल में आगे तरीका होता है कैच फंक्शन का साइन, उसके अंदर ई डबल आर एरर, ई डबल आर बस करली वैकेस लगा दो बाहर उसके बाहर बाहर और एंटर दे दो। कंसोल डॉट लॉक कर लो। ये है स्टैटिक मेथड का सिंटैक्स लिखने का तरीका, उसके अंदर एरर, सिंपल एरर, सिंपल एरर भाई, सिंगल क्यों लगा रहे हो? ई डबल आर लिखो ना बस, ट्राई कैच नहीं याद है, ट्राई में अगर ट्राई करेंगे नहीं आएगा तो एरर में कंसोल एरर प्रिंट हो जाएगी, बस ये होता है सिंटैक्स। टर्मिनल थोड़ा नीचे कर देना, टर्मिनल थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। ये एक होता है सिंटैक्स। हमने क्या किया, क्लास बनाई ऐसी मल्टी, ऐसे स्टूडेंट है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट का इंसर्ट करना है, स्टूडेंट का डिस्प्ले करना है, स्टूडेंट का डिलीट करना है, स्टूडेंट का अपडेट करना है, समझ आ गया? तुम अलग अलग क्यों बनाए? इससे अच्छा है ना कि स्टूडेंट का कंट्रोल बना लो, उसके अंदर उसके मेथड बना लो, डिस्प्ले के, इंसर्ट के, व्यू के, एडिट के, अपडेट के, डिलीट के। बात समझ आ रही है? पूरे क्रेड ऑपरेशन के लिए स्टैटिक मेथड ही बनेंगे जैसे। हाँ हाँ स्टैटिक ही बनेंगे पूरे क्रेड ऑपरेशन के लिए। हाँ मेथड बनेंगे ना, डिस्प्ले का अलग बनेगा, इंसर्ट का अलग बनेगा, व्यू का अलग बनेगा, लारावेल नहीं पढ़ते स्टैटिक। उसको होता स्टैटिक मेथड होता क्या पहले जानते हो स्टैटिक मेथड क्या होता है? सर नहीं वो तो पता है सर मुझको। हाँ तो स्टैटिक ही मेथड बनेंगे ना, इसके अंदर स्टैटिक मेथड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कॉल नहीं होगा। स्टैटिक मेथड किससे कॉल होंगे? क्लास के नेम से सर। फिर हम यहाँ पे किसको एक्सपोर्ट करेंगे? मॉड्यूल एक्सपोर्ट किसको करेंगे हम यहाँ पे? कंट्रोलर को। कंट्रोलर को सर पढ़ के आए ना पीछे सब चीजें। हाँ सर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले मेथड थोड़ा बने हैं, फंक्शन नहीं बनते हैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनते हैं जो अपनी क्लास से कॉल होते हैं, ठीक है? पढ़ के आए हो सब पीछे, भूल गए हो लग रहा है। तो देखो अब मैंने इसके अंदर लिख, तो अब ट्राई के अंदर देखो कंसोल डॉट लॉक, ट्राई के अंदर लिख दो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉक, चेक करते हैं यहाँ पे आ भी रहे कि नहीं आ रहे। लॉक फंक्शन का साइन, सिंगल कोड में लिखो हेलो डिस्प्ले, सिंगल कोड में लिखो हेलो डिस्प्ले, हेलो डिस्प्ले। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम यहाँ तक आ भी रहे कि नहीं आ रहे हैं। बात समझ आ गई? हम यहाँ तक आ भी रहे कि नहीं आ रहे? पहले वो बंद क्यों कर दिया, टर्मिनल बंद क्यों कर दिया? अरे अरे देखो देखो अपने मन से कुछ ही चला रहे हो। अरे कुछ सिर्फ बाय डिफॉल्ट नोड मोन चलेगा, ऐप डॉट जेएस लिखने की जरूरत क्या है? पैकेज डॉट जेएसएन में क्या सीखा? पैकेज डॉट जेएसएन पे जाना, पैकेज डॉट जेएसएन में जाओ ऊपर चलो, लाइन नंबर 5 पे देखो क्या लिखा हुआ है। लाइन नंबर 5 में क्या लिखा है? मेन फाइल कौन सी हमारी, ऐप डॉट जेएस। सिंपल लिखोगे नोड मोन वो बाई डिफॉल्ट इसी को कॉल करेगा ना, है ना? तो मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये कंट्रोल अपने आप कॉल थ्रू होंगे, है ना? वो अलग से लिख रहा है नोड जेएस, नोड मोन स्टूडेंट कंट्रोलर, ऐसा कुछ हो गया नहीं इसके अंदर, ठीक है? चलो स्टैटिक स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ जाओ, स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ जाओ। तो क्लास बन गई, क्लास के अंदर बन गया ये मेथड, स्टैटिक मेथड, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है वो समझो। अगर मैं वेबसाइट पे जाके लिखूं
वेबसाइट पे जाके मैं लिखूंगा क्या, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो हमारा कौन सा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए, स्टूडेंट कंट्रोलर कॉल होगा, इसके अंदर मेथड कौन सा चलेगा, डिस्प्ले वाला मेथड, और कंसोल वाला जो प्रिंट होगा। तो जब मैं लिखूंगा वेबसाइट पे लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, तो सबसे पहले वो कहां जाएगा, क्यों बताओ, app.js में सर, app.js करेगा सर, फिर उसके बाद कहां जाएगा, राउटिंग में जाएगा, और राउटिंग में जाके क्या ढूंढेगा, स्टूडेंट डिस्प्ले ढूंढेगा, कंट्रोलर ढूंढेगा, पहले के स्टूडेंट पहले यूआरएल ढूंढेगा वो, यस सर, उसको यूआरएल मिला नहीं स्टूडेंट डिस्प्ले, कंट्रोलर ढूंढेगा पहले, कंट्रोलर ढूंढेगा ना सर, पहले ढूंढेगा कंट्रोलर, ढूंढेगा पहले कंट्रोलर पे ढूंढेगा, आना उस पे आना, web.js पे आना, चल रहे web.js पे आना, web.js पे, web.js पे इसको खोलो, यहाँ पे आके क्या ढूंढता है सबसे पहले, एक काम करना जी, अबाउट आ दो यहाँ से, अबाउट आ दो, अबाउट लिखा हुआ स्लैश में, नीचे लिखा है स्लैश में अबाउट, ये डाल दो, ठीक है, यहाँ लिख दो कुछ भी लिख दो, तो वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कंट्रोलर ढूंढ कैसे लेगा, उसको यूआरएल मिला नहीं, यहाँ पे वो यूआरएल ढूंढेगा सर, वही तो मैं पूछता ही, तो मैं कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट की पूरी कहानी माइंड में सेटअप करो, आपने ब्राउजर में क्या लिखा, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, तो app.js पे आया, app.js इसको क्या मिला, स्लैश मिल गया ना, स्लैश से वो यहाँ पे आ गया, app.js पे आ गया, अब यहाँ पे आके वो यूआरएल ढूंढेगा किसके अंदर, जो लिखे हैं स्लैश अबाउट स्लैश टीम स्लैश आईटीएम, इनमें क्या ढूंढेगा, स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले कहाँ लिखा हुआ है, स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले ढूंढेगा ना, वो कहाँ है, अगर वो नहीं होगा तो क्या मैसेज दे देगा, मैं कैन नॉट गेट, देगा नहीं देगा, पहले तो भाई डाउट मिलना चाहिए ना उसको, पहले तो डाउट ही मिलेगा ना, सब लोग आप सबसे पहले बेटर को बुलाओगे, बेटर के चपरासी क्यों लाओगे, वहां का बेटर आएगा, जब बेटर का ऑर्डर दोगे फिर वो सेफ के पास जाएगा, बात आई समझा, ये आपको माइंड में पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, इसलिए प्रैक्टिस लगेगी। तो स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ जाओ पहले, तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट कंट्रोल क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा नीचे आ जाओ नंबर 9 पे, तभी तो रिक्वायर कर पाओगे राउटिंग पे उसको, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, स्टूडेंट इक्वल स्टूडेंट कंट्रोलर इक्वल इक्वल इक्वल, घर पे प्रैक्टिस करा करो। आप लोग से एक बड़ी उम्मीद है कि कोड कॉपी पेस्ट कभी ना करें, सब ध्यान रखना अगर आपको सीखना अच्छे से, ठीक है। अब मुझे कोई बताएगा कि मैंने ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों किया, बताएगा कोई, सस्ता सारे इंपोर्ट कर सके, रिक्वायर कर सका दूसरी फाइल में, है ना, आप पता है बॉस लोग बॉस होगा तो ऊपर से जा रहा होगा, बॉस होगा तो ऊपर से जा रहा होगा, बॉस से तो ऊपर से जा रहा होगा, मैं मुझे पता है ना, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है, घर पे नहीं पढ़ रहे होंगे तो ऊपर से जा रहा होगा, वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट हमने, मॉड्यूल एक्सपोर्ट हमने क्यों किया, क्यों किया भाई, अगर मैं web.js पे जाके कंट्रोलर को कॉल करूंगा तो वो यहाँ पे कैसे आएगा, है ना, ठीक है। तो चलो web.js पे आ जाओ, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कुछ नहीं आएगा, चाहे तुम लारावेल पढ़ लेना चाहे जेंगो पढ़ लेना, सब में ये प्रोसेस चलती है ना, रखना आप लोग, तो चलो अब जी सब हटा दो, सब हटा दो, सब हटा दो, इसकी नीड नहीं, हटा दो, एक तो छोड़ दो, एक छोड़ दो, एक छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दो अकेला, बाकी सब उड़ा दो। चलो अब देखो कैसे काम होगा, अब वो सब देखें, तो देखो यहाँ पे राउटर डॉट गेट, देखो सब लोग राउटर डॉट गेट फंक्शन का साइन सिंगल कोट में स्लैश, हम स्लैश हमेशा लगेगा ध्यान रखना, स्लैश देखो स्टूडेंट डिस्प्ले, स्टूडेंट डिस्प्ले, स्टूडेंट डिस्प्ले सिंगल कोट के बाद
सिंगल कोट के बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो उसको यूआरएल मिल गया, अब वो क्या देखेगा, कंट्रोलर देखेगा। अरे रुको तो, अब वो किसको ढूंढेगा यहाँ पे कि हमें किस कंट्रोलर पे जाना है, तो यहाँ पे लिखो स्टूडेंट कंट्रोलर, देखो अपने आप आ जाएगा, देखो अपने आप आएगा, एस कैपिटल था ना वो, देखो अपने आप आ रहा, सब देखा था अपने आप आया था, ऊपर जाके इम्पोर्ट हो गया, दिख रहा है सबको अपने आप, अपने आप क्यों आया, क्योंकि आपने वहां पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रखा है। अब इतनी लाइन से क्या हुआ, आपने जैसे लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, सबसे पहले ऐप पे आया फिर वेब पे आया, ठीक है। अब उसको राउट तो मिल गया, राउट मिल गया ना, अब उसने क्या देखा कि मुझे कहाँ जाना है, अब मैंने उससे कहा कि तुम स्टूडेंट के कंट्रोलर पे जाओ, वो चला गया। अब मैंने उससे ये नहीं कहा कि तुम्हें कौन से मेथड पे जाना है, वहां तो 100 मेथड थे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट, देखो डॉट डिस्प्ले, अपने आप आ जाएगा, देखो डिस्प्ले, देखो नीचे आ रहा है डिस्प्ले अपने आप। तो अब जी लाइन समझ में आ गई आप लोगों को पूरी, ये लाइन का पूरा खेल होता है जी, रास्ता है बताने के लिए इसको, जी लाइन समझ में आ गई सबको। बाकी लोग जी एक रास्ता है, जैसे ही वो यूआरएल में हिट करेगा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, वो यहाँ पे आएगा, उसको यूआरएल मिल गया, सबसे पहले वो क्या देखेगा, जिस स्लैश में लिखा है यूआरएल, ये देखता है कंट्रोलर और मेथड पे बाद में जाएगा। अगर उसको यूआरएल नहीं मिला, जब भी आपकी एरर आती है गेट वाली, तो आप समझ जाना कि आपकी राउटिंग सही नहीं है। जब भी आपकी एरर आएगी स्लैश गेट, इसका मतलब आप राउटिंग सही नहीं लिख रहे हो, जो आप यूआरएल में लिख रहे हो वही सेम यहाँ पे लिखना होगा स्लैश के बाद। तो जैसे मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश स्टूडेंट डिस्प्ले, वो यहाँ पे आया, फिर इसके बाद उसने क्या देखा, कंट्रोलर का नेम देखा और फिर उसके अंदर मेथड का नेम देखा, और फिर वो क्या करेगा, मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, सेव करो, चलना वेबसाइट पे, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी है बस, कुछ नहीं है, वेबसाइट पे आओ, लिखो लोकल होस्ट, सब देखो यहाँ पे, स्लैश लिखो स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट डिस्प्ले लिखो स्टूडेंट डिस्प्ले, सेम स्पेलिंग लिखनी होती है जो आपने यूआरएल में दिया है, फुल स्क्रीन कर लो, फुल कर लो, फुल उसकी स्क्रीन, सब लोग जो आपने राउट के अंदर यूआरएल में दिया होता है वही सेम नाम आपको यहां देना होता है। अरे ठीक है, अब देखो अब वो कहां गया होगा, कर्सर घूम रहा है ना, घूमने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहां गया होगा, सबसे पहले राउटिंग पे आओ, राउटिंग पे वेब पे आ जाओ, अब सीधे वेब पे आ जाओ, करो वेब पे, वैसे तो ऐप पे गया होगा, ऐप के बाद सीधे वेब पे आया होगा, वेब पे आ जाओ, यहां पे आया होगा, यहां पे आकर उसने क्या ढूंढा होगा, स्टूडेंट डिस्प्ले नाम का यूआरएल मिल गया उसको, फिर उसने क्या देखा होगा कि मुझे कौन से कंट्रोलर पे जाना है, और फिर उसने क्या देखा होगा मुझे कौन से मेथड पे जाना है उसके अंदर, फिर वो कहां गया होगा, स्टूडेंट कंट्रोलर उसको मिला, फिर उसके अंदर उसको मेथड मिला, उसने क्या कर दिया, नीचे देखो टर्मिनल में कंसोल प्रिंट कर दिया, दिख रहा है नहीं सबको, हेलो डिस्प्ले दिख रहा है, यस सर। अब इसकी बल्दी बंद कर देना, हेलो डिस्प्ले को या बंद कर दो, इसको देखो res डॉट सेंड, इसको बंद कर दो, इसको हटा दो, क्या शॉर्ट शॉर्ट लिखते हो, res डॉट सेंड, res डॉट सेंड फंक्शन का साइन लिखो हेलो डिस्प्ले, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में हेलो डिस्प्ले, तो ब्राउजर पे शो हो जाएगा आपका हेलो डिस्प्ले, सेव करो और चेक करो, जाके ब्राउजर जाओ, फिर से रिफ्रेश करो, देखो आगे लिखा हुआ, एक बार फिर से रिफ्रेश कर दो, देखो आगे हेलो डिस्प्ले लिखा हुआ, अभी नोट मत करो, अभी देख लो, अभी नोट मत करो, अब मैं क्या करता हूँ, वेब डॉट जेएस पे आना, नोट मत करो, देख लो पहले फिर नोट करना, मैं वेब डॉट जेएस पे आके स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, डिस्प्ले का अंग वन लगा देना, डिस्प्ले का अंग वन लगा दो, अब जाके वहां पे जाके रिफ्रेश करो, अब देखो कुछ आएगा क्या, देखो क्या लिखा हुआ आ गया राउट आपके सामने, सब लोग देख लें, आपकी जो अगर ये वाली एरर आती है तो मैं ठीक नहीं करूंगा, अगर आपकी कैन नॉट गेट वाली एरर आती है तो ये आपको पता होना चाहिए
कि हमारी राउटिंग में कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी है। अब इनको तो नोट करने के लिए नोट करो। चला के देखो आप लोग जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कि ऊपर से उड़ गया। बताएं समझ में आया कि नहीं, दिखाओ उन पर, ऊपर से दिखाओ, फिर ऊपर से दिखाओ, ऊपर से दिखाओ सब। देखो क्या किया मैंने, ऊपर से देखो डिस्प्ले था, फिर क्रिएट किया, फिर व्यू किया, नीचे आ जाओ, फिर एडिट किया, डिलीट किया, अब राउट ना दो जाके इनके, ये कॉपी पेस्ट करते जाओ, व्यू स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, डिलीट, है ना, ऐसे कर लो। यहाँ पे व्यू स्टूडेंट करो, व्यू स्टूडेंट, बाकी लोग भी कर लें खुद से, व्यू स्टूडेंट व्यू, फिर वो पेस्ट कर लो नीचे, एडिट स्टूडेंट, करते जाओ आप लोग भी करते जाओ। ये थोड़ा नीचे देते हो, मुझे मॉड्यूल एक्सपोर्ट को नीचे खिसका दो, मॉड्यूल एक्सपोर्ट को नीचे पहुंचा दो, हाँ नीचे पहुंचा दो उसको, ऐसे डिलीट कर दो। लो अब क्या उसमें ऐसा है, एक बार कंट्रोलर कॉल करना होता है बस, डिलीट कर दो। प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको नहीं आएगा समझ में। और देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, देखो अगर आपका मेथड, अब देखो फायदा क्या है, अगर आपका कंट्रोलर सही बना होगा तो ग्रीन होगा, कंट्रोलर सही कॉल हुआ होगा तो ग्रीन होगा, मेथड सही कॉल हुए होंगे तो दिख रहे कलर में, ये कलर चेंज होंगे इस तरीके से, और उस पर आना स्टूडेंट कंट्रोलर पे, आना स्टूडेंट कंट्रोलर पे आओ, और यहाँ पे ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट दिख रहे हैं, ब्रैकेट अलग अलग कलर दिख रहे हैं, अगर सही ब्रैकेट लगे होंगे तो अलग अलग कलर चल रहे होंगे, ठीक है, इसलिए पैरी करवा दिए थे आपके मैं एक्सटेंशन सारे मैंने, देखो कितना सही दिख रहा है कोड स्टेप बाई स्टेप, और फिर भी नहीं कर पाते तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, नीचे आता है ये फॉर्मेट का करने का, सही करने का, इससे भी कर सकते हो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सही, ठीक है, तो सेव कर दो और चला के दिखा दो इनको सारे कंपोनेंट, सारे पेज चला के दिखा दो, वेबसाइट सारे पेज, हाँ अब कर दो, क्रिएट हो गया ना, अब व्यू कर दो, व्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, ऐसा चलाते जाओ, एडिट और डिलीट, एडिट चल गया और डिलीट चला दो, ऐसे डिलीट चला दो, डिलीट ठीक है चल गया। देखो अब इनको दिखा दो, आप लोग भी कर लें, चला के साथ देख लें इसे, इनको पहले कंट्रोल दिखा दो, सब लोग चला के देख लें इस तरीके से, एक दो घर में प्रैक्टिस करोगे, अब आपके पास पूरे दो दिन है, जूम कर दो, जूम कर दो, वो खुद देख लेंगे, जूम कर दो, जूम वो सेम ही तो है, और जूम कर दो, हाँ सेम ही तो है वो, नीचे वाला दिखा दो व्यू वाला, सेम ही तो चल रहे हैं। अब आपके पास कल का दिन है पूरा, परसों का दिन है पूरा, अब इन दो दिन में अगर आपके पास एक घंटा भी नहीं है इन चीज़ के लिए, तो मैं कह रहा हूँ वन स्टेक मत सीखना, दो दिन में एक घंटा, मैंने एक घंटा पढ़ाया, आप एक घंटा प्रैक्टिस कर लो बस, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा,